सुप्रभातम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सप्तमा पाठ, पाठ 7। इसका नाम है संख्या। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए, इसमें लिखा है एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट या षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ठीक है, उसके बाद ये हिंदी वाली संख्या दी गई है, 1, 2, 3, 4 जो भी है इसमें दिया, 1 से 10 तक। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, एक छात्र है, एका कन्या, एक कन्या है, एकम फलम, एक फल है, द्वे मृगे, दो हिरण है, द्वे महिले, दो महिलाएं हैं, द्वे नेत्रे, दो आँखें हैं, त्रय देवा, तीन देवता हैं, त्रिश बालिका, तीन बालिका हैं, लड़कियां हैं, त्रिणी कंदु कानी, तीन गेंद है। मतलब आप त्रय भी कर लिख सकते हो, त्रिश भी लिख सकते हो, त्रिणी भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह चतवारा भी हो सकता है, चतरस भी होता है और चतवारी भी हो सकता है। तो चतवारा सैनिका, चार सैनिक है, चतरस माला, चार माला है, चतवारी पुस्तकानी, चार पुस्तकें हैं, पंच चिकित्सका, पांच डॉक्टर हैं, पंच मक्षिका, पांच मक्खियां हैं, पंच पुष्पाणी, पांच फूल हैं, षड पुरुषा, षड छः, क्या ये पुरुष हैं, षड लता, जो लताएं होती हैं पेड़ की टहनियां, वो हो गई लता, षड फलानी, ये छः फल हैं, सप्त कपोता, कपोता मतलब कबूतर, कितने हैं, 7 हैं, सप्त लेखन्य, 7 लेखन्य मतलब कलम है लिखने वाले, सप्त नक्षत्राणी, नक्षत्राणी इसमें क्या है, ये 7 नक्षत्राणी है ये, अष्ट काका, 8 कौवे हैं, अष्ट सारिका चिड़िया, अष्ट उपनेत्राणी, 4 ये चश्मे हैं ये, 9 मत्स्या, 9 मछली है ये, 9 तुलिका, 9 ये ब्रश जो पेंट करते हैं तुलिका बोलते हैं उसको, 9 मोदकानी, मोदकानी मतलब मोदक होते हैं लड्डू, कितने हैं, 9, 10 सिंहा, 10 क्या है, शेर है, 10 मक्षिका, 10 मक्षी है, 10 छत्राणी, 10 छाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको पाठ में ये जो संख्या दी गई है 10 तक, 1 से 10 तक अपनी कॉपी में करना है, दोबारा से करना है, फर्स्ट टाइम में मैंने कराया थे लेकिन आपको दोबारा करना है 1 से 10 तक। ठीक है बच्चों।